हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ। मूवी का नाम है ओजम। एक मलयालम एक्शन टेक्नोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है ये, और ये मैं कह सकता हूँ ये मूवी आपको कम से कम वन टाइम वॉचेबल है, बट आपको कम से कम देखनी चाहिए मूवी की। आखिर 2016 के वक्त पर जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ज़्यादा मूवीज़ नहीं बनती थी, आखिर उस समय इस मूवी ने ऐसा क्या कमाल किया। तो ये हिंदी में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपको कास्टिंग की बात बताना चाहूँगा। इस मूवी की कास्टिंग सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी में, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। सबसे बड़ा रोल जो इसमें मूवी का है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस मूवी का, तो उनका नाम है पृथ्वीराज सुकुमारन। साथ ही साथ में आपको इसमें नीरज माधव भी नज़र आएंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि नीरज माधव कौन है। अगर आपने फैमिली मैन देखी है अमेजोन प्राइम पे एक वेब सीरीज़, उसमें जो लास्ट के एपिसोड में जो विलन बनते हैं वो मलयालम बोलते हैं, उसमें भी मलयाली उनका टच उस मूवी में दिखाया है, और इस मूवी में भी वही है, तो वही है नीरज माधव, मैं आपको कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ में और भी अच्छे अच्छे करेक्टर हैं इसमें, जैसे दिव्या पिल्लई आपको इसमें फीमेल लीडिंग रोल में नज़र आएंगी। तो मैं एक कहानी बहुत सिंपल है इसकी, कहानी में पहले बताता हूँ। कहानी एक साधारण से परिवार की जो साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक ऐसी कहानी। साथ ही साथ में इस मूवी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो इस मूवी में मेन लीडिंग रोल अपने हाथ में थाम के बैठा है, वो यूएसए में रहता है। यूएसए में आने के बाद वो अपने माता पिता से मिलके फिर यूएसए जाता है, लेकिन फिर एक वीडियो कॉल के चलते उसके जितना भी परिवार के सदस्य होते हैं उन्हें बहुत ही बुरी तरह से, गंदी तरह से मार दिया जाता है। अब इसके पीछे कौन है, यही सबसे बड़ा मकसद होता है फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमार का पता लगाना, कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्यों उन्हें मारना चाह रहा है, क्यों मार रहा है। अब इसके पीछे बहुत ही बड़े माफिया गैंग और एक बहुत ही बड़े कंपनी का रोल होता है, जो अपनी जितने भी डर्टी बिजनेस है उसे छुपाना चाहते हैं। मूवी में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स दिखाए गए हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जिस तरीके से फ़ोन में बम लगा के सबको उड़ा दिया, या कह लीजिए वाईफाई के राउटर पर बम लगा के उड़ा दिया, वो सब कहीं ना कहीं टेक्निकली जस्टिफाई करती हैं चीज़ें। अगर आप कहीं ना कहीं हैकिंग को जानते हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका माइंड शार्प है, तो आपके लिए ये मूवी बनी है। आप इस मूवी को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। मूवी में बहुत से, जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूवी जब आई थी तो लोग सोचते थे कि ये यार मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड मूवी की रीमेक है। कुछ सोचते थे कि इस मूवी में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, लॉजिक हो या ना हो वो तो सब पागल लोग हैं जो ये सोच रहे इस मूवी में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। बट एक बार तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए, लॉजिक आपको मिलेगा। अगर मैंने आपको कहा, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका माइंड शार्प है, तो आपको इस मूवी में लॉजिक ज़रूर मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी इस मूवी की, शायद इस मूवी में थोड़े बहुत पैसे बचाए हैं इस चीज़ पे कि वहाँ पे एडिटिंग दिखा दी है। जब भी बम ब्लास्ट होता है तो उस चीज़ को बहुत ही नकली तरीके से इन्होंने एडिट करके दिखाया, तो वो चीज़ उसका मैं कम से कम कुछ तो मुझे थोड़ा बेकार लगा वो। बट मैं कह सकता हूँ मूवी की स्क्रिप्ट ही है जो इस मूवी को ज़िंदा रखती है, खासकर इस मूवी की कास्टिंग। हर बंदे की, एक एक बंदे की एक्टिंग, चाहे वो विलन की एक्टिंग हो जिस हिसाब से उन्होंने इंग्लिश एक्सेंट में बोला, या इसमें जो पृथ्वीराज सुकुमारन की जो एक्टिंग, फिलहाल तो वो अब डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्टर बन गए हैं वो, तो मैं कह सकता हूँ कि उन सब की एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये मूवी कम से कम एक बार तो आपको देखनी चाहिए। हिंदी में अवेलेबल है, लॉकडाउन के चलते भी, लॉकडाउन में भी कई बार लोगों को काम होता है, कई बार नहीं होता, और फ्री टाइम में आप ऐसी मूवी ज़रूर देख सकते हैं। एक एक्शन मिल जाएगा, एक सस्पेंस मिल जाएगा, साथ ही साथ में एक गुड टाइम पास मूवी है। तो आपको ये साथ में अपने परिवार के साथ भी देख सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसे देखिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा ये मूवी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस YouTube चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।